हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाई टेंशन मेंबर के बारे में। नया चैप्टर है हमारा ये, तो डिस्कस करते हैं कि टेंशन मेंबर होते क्या है हमारे स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन है छोटी सी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्टील स्ट्रसेस आर कॉमनली यूज फॉर वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एटसेट्रा। ये कहते हैं कि जो स्टील स्ट्रसेस होती है भाई, उनका कॉमनली जो होता है हमारे वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर एटसेट्रा। ये जो मेंबर होते हैं मेरे, उन जो ट्रस के मेंबर होते हैं, उनके पास सब्जेक्ट करते हैं हम, स्ट्रेसेस लगती है। चाहे वो स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की हमारी स्ट्रेस है। बट कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी दोनों लगती है हमारी। ये कहते हैं जो स्ट्रेस इन द मेंबर डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोड इन द स्ट्रेसेस इन द ट्रस, सॉरी द मेंबर ऑफ द ट्रस आर टू बी डिजाइन एज कंप्रेशन और टेंशन मेंबर, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द गाइडलाइन आर लेड इन द IS कोड 800/2007। ये कहता है कि भाई स्ट्रेस किसी भी मेंबर के अंदर क्यों डेवलप होगी, जब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे ट्रस के ऊपर, तभी उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। वो जो मेंबर होते हैं हम ट्रस के, उनको दोनों तरीके से डिजाइन किया जाता है, हर एक चीज को माइंड में, कंप्रेशन मेंबर को भी टेंशन मेंबर को, दोनों को माइंड में रखे किसी एक पर्टिकुलर स्टील सेक्शन को डिजाइन किया जाता है। और जो सारी कंसिडरेशन है मेरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, वो कहां से रेफर की गई है भाई, जो स्टील का कोड अगर पेपर पूछ ले, बेटे का नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएगा कि कौन सा कोड, विच कोड इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ द टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो आप लिख सकते IS कोड 800/2007। ठीक है भाई।